हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आपके पर्सन आपसे क्या छिपा रहे हैं वो अभी इस वक्त, चाहे आप जो भी सिचुएशन में हैं, लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, मैरिड, अनमैरिड, आपके पर्सन आपसे अभी इस वक्त क्या छिपा रहे हैं। आपके पर्सन आपसे क्या छिपा रहे हैं जो वो आपको बताते नहीं हैं। ये रीडिंग जर्नल एंड कलेक्टिव बेस पे है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे, तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। तो आपके पर्सन आपसे क्या छिपा रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेन ऑफ वैंस, क्या छिपा रहे हैं वो। जो भी मेरे व्यूअर्स के पर्सन, इस मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या छिपा रहे हैं मेरे व्यूअर्स से। द सन एंड कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं। सन के कार्ड को क्लेरिफाई करें स्पिरिट। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके पर्सन आपसे क्या छिपा रहे हैं अभी इस वक्त। टेन ऑफ वैंस, टू ऑफ वैंस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। तो आपके पर्सन आपसे कहीं ना कहीं, उन्हें इस बात की रियलाइजेशन है कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया है वो सही नहीं किया है, और इस बात की भी रियलाइजेशन है कि डिसीजन मेकिंग ज़रूर है, चॉइसेस ज़रूर है, जजमेंट ज़रूर है। तो आपके पर्सन को इस बात की रियलाइजेशंस है कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, और सिचुएशन जो भी है आप दोनों के बीच की, तो आपके पर्सन आपसे क्या छिपा रहे हैं। आप उनकी हैप्पीनेस है, आप उनका गोल है, आप उनका पैशन है, आप उनकी डिज़ायर है, और आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट है। कहीं ना कहीं आपको बहुत ही स्पिरिचुअल देखते हैं, एक हायर पर्सपेक्टिव में देखते हैं, एंड डेफिनेटली आपसे वो ट्रेडिशनल मैरिज लॉन्ग टर्म वो देखते हैं आपके साथ। तो आपके साथ वो मैरिज कमिटमेंट लॉन्ग टर्म वो चलना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे छिपा रहे हैं अभी इस वक्त, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं कमिटमेंट फोबिया भी हो सकता है, कमिटमेंट देने से डर लग रहा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन ऑलरेडी आपसे मैरिड है, तो डेफिनेटली आपके साथ वो फुलफिलमेंट देखते हैं, आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो, और बहुत ही ज्ञानी इंसान हो आप, विस्टम से बड़े हुए इंसान हो, और बहुत ही एनर्जेटिक हो आप, इस पर्सन की खुशियाँ हो, आप इस पर्सन के सनसाइन हो। अगर आपके पर्सन आपसे ही मैरिड है, तो अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, तो डेफिनेटली वो आपसे ट्रेडिशनल मैरिज ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन मैरिज से डरते भी हैं ट्रेडिशनल मैरिज से। और अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, आप किसी मैरिड इंसान को डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्हें एक कमिटमेंट फोबिया हो सकता है। फिर भी आपके पर्सन अभी इस वक्त यही छिपा रहे हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म ज़रूर देखते हैं, स्टेबिलिटी ज़रूर देखते हैं, लेकिन वो आपसे कहते नहीं हैं कि वो आपके साथ कितना स्टेबल फील करते हैं, एंड डेफिनेटली कनेक्टेड भी फील करते हैं आपसे। बहुत सारी चीज़ें ये छिपाते हैं, ख़ास तौर से स्टेबिलिटी को लेकर कभी भी ये आपसे बातें नहीं करते हैं। आप इनका, अगर आप किसी मैरिड इंसान को डील कर रहे हैं, या फिर आपका इनके साथ एक सीक्रेट मैरिज, सीक्रेट अफेयर भी हो सकता है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को लेकर डाउट, फियर, इल्यूजन, डिल्यूजन ज़रूर हो सकता है इस पर्सन को, लेकिन मैरिज ज़रूर देखते हैं, एक ट्रेडिशनल मैरिज देखते हैं, आपके साथ फुलफिलमेंट देखते हैं, आप उनकी लाइफ के टेन ऑफ वैंस के जैसा भी देखते हैं। लॉट्स ऑफ डिज़ायर है और एनर्जेटिक बर्डन भी है, क्योंकि लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इनके कंधों पर, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पे करते करते ये पर्सन थोड़े से थक से ज़रूर गए हैं,
क्योंकि डिज़ायर बहुत है इस पर्सन को आपको लेकर, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है जिसके वजह से ये आपसे खुलकर बातें नहीं करते होंगे। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है तो प्लानिंग और स्ट्रेटजिक ज़रूर बनाते हैं कि आखिर इस रिलेशनशिप में आपके साथ वो रेसिप्रोकेट कैसे कर सके, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कैसे कर सके। आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है, जेनरोसिटी आपने क्रिएट की है, लेकिन ये पर्सन मानते हैं लेकिन आपको बताते नहीं हैं। लॉट्स ऑफ पेशेंस है आपकी तरफ आने के लिए, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंसफुल ये पर्सन है। एंड डेफिनेटली टेन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट है आपको लेकर। कहीं ना कहीं इस पर्सन के लॉट्स ऑफ डिज़ायर बहुत है जो ये छिपाते हैं, बताते नहीं हैं। बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी आपकी हो सकती है, आप इनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट होने के साथ साथ आपको ये जितना ज़्यादा जानते हैं उतना ये फुलफिल फील करते हैं। तो चलिए दूसरे कार्ड से देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे अभी इस वक्त क्या छिपा रहे हैं। आपके पर्सन अभी इस वक्त आपसे क्या छिपा रहे हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो डेफिनेटली वो इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं जो भी सिचुएशनशिप है। एंड स्टे ऑप्टोमिस्टिक योर लव लाइफ, तो बहुत ही होपफुल है, ऑप्टोमिस्टिक है। एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो खुद को प्यार करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं एम्प्टीनेस वाली फीलिंग्स भी है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप दोनों का एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है। और ये पर्सन रियलाइज ज़रूर करते हैं कि आप दोनों में एक गहरा डीप कनेक्शन है, प्लेफुलनेस, आपके साथ एक क्वालिटी रोमांटिक टाइम बिताना चाहते हैं लेकिन वो बिता नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को कहीं ना कहीं रिग्रेट ज़रूर है। न्यू लव है आपके साथ, डेफिनेटली एक री स्टार्ट करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं जो ये आपसे छिपा रहे होंगे। एंड मेक द एफर्ट, इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली वो एफर्ट्स भी लगाना चाहते हैं। एंड वेडिंग है तो मैरिज कमिटमेंट लॉन्ग टर्म वो आपके साथ चाहते हैं, भले ही ये बताते नहीं है। पैशन भी है इस पर्सन के दिल में, और क्या छिपा रहे हैं वो अभी इस वक्त आपसे। क्या छिपा रहे हैं वो अभी इस वक्त आपसे। गेट टू नो ईच अदर, क्राइंग एंड डिप्रेशन, आंसर अराइविंग। तो कहीं ना कहीं आप को जानना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप दोनों में सेपरेशन है तो ये पर्सन क्राइंग एंड डिप्रेशन में भी है, आपसे मिलना चाहते हैं। जो भी गलतियां की है इन्हें इस बात की रियलाइजेशन से ट्रू लव वो फील करते हैं। एंड आंसर अराइविंग है, बहुत जल्द आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। और इस प्यार में न्यू इस प्यार को रीजनरेट ज़रूर करना चाहते हैं, इस प्यार को रीजनरेट ज़रूर करना चाहते हैं। टेक अ ब्रेक, तो सेपरेशन हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, ब्रेक पे हो सकते हैं। आपके पैशन में है, अपने काम, वर्क, फैमिली में ये पर्सन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपको अपना ट्रू सोलमेट मानते हैं लेकिन ये बताते भी नहीं हैं। न्यू बिगनिंग चाहते हैं लेकिन ये भी नहीं बताते हैं। एंड मेटाफोसिस है तो कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स जो है कहीं ना कहीं चेंज ज़रूर हो रही है, जो आपको ये बताते नहीं हैं कि आपके लिए ये पर्सन कितने लॉयल हैं, आपसे वो कितना प्यार करते हैं। और क्या वो आपसे छिपा रहे हैं। आपके पर्सन अभी इस वक्त आपसे क्या छिपा रहे हैं। रिलीज है तो जो भी निगेटिविटी आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप की है उसे वो रिलीज कर रहे हैं। एंड प्रायोरिटाइज, क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है, उसे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। एंड डिसर्मेंट है तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टेड भरी एनर्जी भी है जिसे वो रिलीज़ करने की कोशिश ज़रूर है। एंड वर्च्यू है तो कहीं ना कहीं
चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बहुत ही वर्चुअल अफर्मेशन वे में, एंड एक्शन है आपकी तरफ, एक्शन लेना है दिल में, क्योंकि प्यार भी है, लविंग केयरिंग कंपैशनेट है, तो प्यार है लेकिन बताना नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इन्वॉल्व। सेल्फ लव है तो इस पर्सन में सेल्फ इस्टीम की कमी है, एंड खुद को पावरफुल बनाना चाहते हैं कि जिससे कि वो आपके साथ रिकनसाइल कर सके, आपके साथ हार्मोनियस वे में आ सके, एंड जो भी सिचुएशन है उसमें वो फ्री हो सके, एंड आपके साथ पीसफुल जरूर हो सके, एंड इंटीग्रिटी भी है तो बहुत ही सत्य निष्ठा के साथ जो है आपके साथ लॉयलिटी के साथ रिश्ते को आगे लेके जरूर जाना चाहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है दिल में दबी हुई है लेकिन ये बताना भी नहीं चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये ब्रेसलेट आप ज़रूर लें, एक बार ट्राई करके आप ज़रूर देखें। ये कस्टमाइज है, प्योर क्रिस्टल है, एंड डेफिनेटली एनर्जाइज भी है मेरे थ्रू। ये सिल्वर की बटरफ्लाई लगी हुई है इस चार्म्स ब्रेसलेट में, चार्म्स है ये। आप एक बार ट्राई करके देखिए, अब तक जितने लोगों ने भी लिया है डेफिनेटली 100% रिजल्ट है। ट्राई करके देखिए, फिर मुझे फीडबैक देखिए। इसको अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये उस एनर्जी को कहीं ना कहीं बूस्ट जरूर करेगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके बीच हमेशा हार्मोनियस बना रहे, एंड अनकंडीशनल लव जो है आप दोनों के बीच में हमेशा रहे, उस एनर्जी को हमेशा ये बूस्ट करेगी और पावरफुली बूस्ट करेगी। ये खुद का एक्सपीरियंस है मेरा, और इसीलिए मैं ये आप लोगों के लिए कस्टमाइज बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में ही करवाई हूँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस किया हुआ ब्रेसलेट है। आपको रिज़ल्ट ज़रूर देंगे, 100% रिज़ल्ट देंगे, अगर आपको इस पे फेथ है तो। इसको पाने के लिए कहीं ना कहीं आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी @ishwarya91 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां आपको डिटेल्स मिल जाएगी। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। लाइक ज़रूर करें अगर आपको रीडिंग तक पहुँचे हैं, देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब तब करें जब आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है और बार बार आप देखना चाहते हैं। तो शेयर करें अगर आप एज अ हीलर किसी को हील करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू।